नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर एक ही मेडिसिन बहुत सी बीमारियों को ठीक करने में काम आती है। उसी तरह से दोस्तों आपको पढ़ने को मिलता है कि एक ही बीमारी की भी बहुत सी मेडिसिन होती है, तो कई बार हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि मतलब कौन सी मेडिसिन काम ले। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के अंदर हर बीमारी की कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन भी मानी जाती है। स्पेसिफिक से यहाँ मतलब ये होता है कि उस बीमारी की खास दवाई, यानी जो बीमारी है उसके लिए कोई एक ऐसी मेडिसिन जरूर होती है होम्योपैथी के अंदर जो उसके ज्यादातर सिम्टम्स को कवर करती है और उसको उसकी स्पेसिफिक दवाई कहा गया। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी को दांत दर्द है तो उसके अंदर होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो कि सबसे अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इस वीडियो में मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे इतने टाइम से जो इतने मैंने पेशेंट्स देते हैं उसके अनुसार जो है कौन सी मेडिसिन है जो सबसे अच्छे रिजल्ट देती है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों अगर थोड़ा सा हम लोग दांत दर्द को समझें तो दांत दर्द को आप जानते हैं कि हालांकि इस दर्द को सबसे अच्छा तो वही समझ सकता है या एक्सप्लेन कर सकता है जिसने इस दर्द को महसूस किया हो, क्योंकि ये दांत दर्द जो होता है बहुत ही अलग तरह का, बहुत ही तेज, अनबीरेबल या आप कह सकते हैं असहनीय, बहुत तेज दर्द होता है और इस दर्द के कारण इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि कई बार बच्चे तो रोते ही हैं, कई बार बड़े बड़े भी जो है दांत दर्द के लिए रोने लगते हैं। दोस्तों अगर इसके थोड़ा कारण को हम समझने की कोशिश करें कि इसका क्या कारण होता है दांत दर्द का, तो देखिए कॉमन कारण की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि किसी के दांतों में कैविटी बन गई हो, यानी दांत बिल्कुल आप कह सकते हो सड़ गए हो। कई बार दोस्तों हो सकता है कि वहां पे कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गई जिसके कारण वहां पस पड़ गई है, एब्सेस हो गई है, इन्फेक्टिव हो गया है। कई बार आपकी जो दांत की जड़ें हैं जो रूट्स है वो खराब होने लगती है। कई बार कुछ लोगों में विजडम टीथ यानी जो अकल दांत हम कहते हैं वो आ रहा होता है, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। एक काफी बड़ा कारण जो बड़ों में भी देखने को मिलता है लेकिन खास करके बच्चों में, कि प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करना, यानी खाना खाने के बाद जो है मुंह प्रॉपर आप अगर वॉश नहीं कर रहे हैं, क्लीन नहीं कर रहे हैं। बच्चे कई बार चॉकलेट्स वगैरह काफी ज्यादा खाते हैं तो उसके बाद भी अगर प्रॉपरली मुंह को क्लीन नहीं करते हैं तो उसके कारण भी धीरे धीरे उनके दांत खराब होने लगते हैं। ये कुछ हमने जो है मेन कारण समझने की कोशिश की। दोस्तों अगर हम समझें कि दांत का जो दर्द है, मैंने बताया बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन इतना तेज दर्द क्यों होता है तो उसका भी कारण है। दोस्तों होता क्या है, दांतों की जो रूट्स है, जड़े हैं, वहां पे नर्व सप्लाई काफी ज्यादा होती है और जब किसी भी कारण से, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कोई भी कारण से अगर इस तरह का जो है जो नर्व्स होती है वहां तक अगर ये मान लीजिए इन्फेक्शन जाने लगे, नर्व्स के वहां पे इरिटेशन होने लगे तो ये न्यूरालजिक पेन बन जाता है। और आप जानते हैं कि नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट से जो भी पेन होता है बहुत तेज पेन होता है। दोस्तों ये न्यूरालजिक पेन होने के कारण आप समझ सकते हो कि ये दर्द जो होता है कई बार आपको दांत में तो होता ही है, उसके साथ आपका पूरा जो मसूड़ा है, पूरा जो जबड़ा है, पूरे फेस में आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। कई बार इस दांत का जो दर्द है इसको आप कान में महसूस कर सकते हैं। कई बार ये आपका दांत का दर्द जो ऊपर सिर तक जो आप इस दर्द को महसूस कर सकते हो क्योंकि न्यूरालजिक पेन हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी आदमी को कितना तेज या तीखा मतलब जो है शार्प एकदम शूटिंग पेन भी ये कई बार होने लगता है। दोस्तों इसके कारण मैंने आपको बताया कि बहुत तेज दर्द होता है और कई बार लोग जो है इस दर्द के कारण रोने तक लगते हैं। और इसके कारण जो होता है कई बार जो आपके दांत होते हैं इतना तेज दर्द होता है कि इसमें सेंसेशंस बढ़ जाते हैं और रूटीन का जो है मान लीजिए कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो खाना पीना भी मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ये सारी चीजें हमने समझी, अब हम समझे इसके ट्रीटमेंट की और वो भी कि कौन सी मेडिसिन है जो इसके लिए बेस्ट में, एज पर माई एक्सपीरियंस जो है मैंने देखा कि जो सबसे अच्छी मेडिसिन है जो मैं जरूर यूज करता हूँ लगभग हर केस के अंदर, दोस्तों ये मेडिसिन है प्लांटागो। दोस्तों प्लांटागो जो है मैं आपको बताऊं इसको जो है आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। प्लांटागो मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछे तो इसकी एक तरह से स्पेसिफिक मेडिसिन है और इसको यूज करने के लिए आप इसको लोकली भी यूज कर सकते हैं। लोकली मतलब जहां दर्द हो रहा है वहां पे यूज करना है। तो दोस्तों उसमें यूज करने का क्या तरीका है कि आप इसका गार्गल या कुल्ला कर सकते हैं, क्योंकि जब पानी के साथ आप मिक्स करके कुल्ला करेंगे तो नेचुरली पानी तो पूरे मुंह में आपका घूमेगा तो उसके साथ में मेडिसिन भी आपके दांतों में जहां भी दर्द है, चाहे कोई कैविटी बन गई है, एब्सेस हो गया है, चाहे गम्स मसूड़े में इन्फेक्शन आ गया है और कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, पस फॉर्मेशन होगी, तो जो पानी होगा वो तो हर जगह पहुंच ही जाएगा और एक तरह से उसकी ड्रेसिंग हो जाएगी और वहां लोकल जो है वहां मेडिसिन पहुंच जाएगी जिससे वहां का इन्फ्लेमेशन है वो खत्म होगा, वहां पे कोई भी तरह का पस फॉर्मेशन हो गया है तो उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। इवन दांतों की जो सेंसिटिविटी है उसको भी ठीक करने के अंदर बहुत ज्यादा मदद करती है। दोस्तों यूज करने की तरीके की हम बात करें तो जो चाय पीने वाला एक कप होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ एक साफ सुथरा कप ले ले, उसमें आप 30 ड्रॉप्स लगभग 30 बूंद जो प्लांटागो मदर टिंचर वो डाल दें और फिर उसके अंदर लगभग थोड़ा सा गुनगुना जो मतलब ठंडा पानी नहीं ले, जिसको हम बोलते हैं थोड़ा ल्यूकॉम वाटर, वो इसमें मिक्स कर ले और उस पानी से जो है 30 बूंद प्लांटागो मदर टिंचर मिलने के बाद जब आपने बाकी पानी भर दिया कप में
तो उसे दोस्तों उस कप के पानी से 2 से 3 बार आप उसका कुल्ला करें। मान लीजिए आपने एक सिप लिया, मुंह में लिया, फिर उस पानी को आपने मुंह में जो है थोड़ा रोटेट किया जिससे पूरे मुंह के अंदर हो गया, उसको मैं एडवाइस करता हूं आप 2-3 मिनट तक उस पानी को कम से कम जरूर अपने मुंह में रहने दें, जिससे कि हर जगह वो पानी जो है पहुंच सके और उसके साथ जो मेडिसिन है वो भी वहां तक पहुंच जाएगी। फिर उसको आप थूक दें, फिर वापस थोड़ा पानी ले लें और इस तरह से करें। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो प्लांटों को मदर टिंचर पानी में आपने मिक्स कर लिया, मान लीजिए अगर आप इसको निगल लेते हैं या कुछ कुल्ला करते समय कुछ बूंदे आपके पेट में चली भी जाए या अगर आपने पूरा भी पी लिया तो भी बिल्कुल भी घबराने की या चिंता करने की बात नहीं होती, बिल्कुल सेफ होता है। और इसको मतलब मुंह में जाए आपके पेट में चला जाए तो चिंता नहीं करें, इतना सेफ होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई लोग क्योंकि बाद में कई बार होते हैं कि सर आपने जो कुल्ला करने के लिए दवाई दी मेरे पेट में चलेगी, मुझे कुछ होगा तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, तो मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल सेफ होती है। तो दोस्तों इस तरह से कुल्ला करना है और इस कुल्ले को आप हर 30 मिनट से मतलब रिपीट कर सकते हैं जब तेज दर्द हो, और बाद में जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आप दिन में 3 बार यूज कर लिया करें, सुबह दोपहर शाम। और उसमें बेस्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आपने खाना खाया हुआ होता है उसके बाद आप इस तरह से प्रॉपरली अपना मुंह क्लीन करने के बाद प्लांटा को जो मदर टिंचर है इसे आप इस तरह से कुल्ला करेंगे, गार्गल करेंगे, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कि दांतों में कोई भी तरह की कैविटी, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर पहले से है तो वो भी ठीक हो जाएगा और नया भी डेवलप नहीं होगा। दोस्तों इसी के साथ में वो लोग जिनको बहुत तेज दर्द है तो वो लोग इस कुल्ला करने के साथ के अंदर जब एक्यूट पेन की कंडीशन होती है तो उस टाइम में थोड़ा कॉटन या रुई लीजिए और उसको अच्छी तरह से प्लेन जो प्लांटागो मदर टिंचर है उसमें अच्छा तरह से आप गीला कर लें और जहां पे आपको दर्द हो रहा है उस कैविटी में, उस दांत में, डाट पे, वहां आप उस रुई को अच्छी तरह से रख दें और उसको 10-15 मिनट वहां रहने दें आप। तो उससे क्या होगा वहां कंटिन्यूअसली जो इसका एक्शन आपको देखने को मिलेगा और तेजी से आपके जो डाड में दर्द है, सूजन है, आप देखेंगे वो ठीक हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ठीक होते जाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हमने बात की लोकल यूज की, उसी के साथ में आप इसको दोस्तों आप ओरली भी ले सकते हैं। ओरली लेने के लिए क्या होगा, अगर मैं एडल्ट डोज की बात करूं तो उसमें तरीका वही रहेगा, बस 30 ड्रॉप्स ले रहे थे हम लोग कुल्ले के लिए, उसके बजाय एक एडल्ट डोज के लिए आप लगभग 15 बूंद ले सकते हैं और 15 बूंद को 1 कप पानी में लीजिए और सिप बाय सिप घूंट घूंट करके दिन में 3 बार आप पी सकते हैं। और जिस टाइम तेज दर्द होता है उस टाइम आप इसको हर 15 मिनट से भी ले सकते हैं और जब लगे आप कंफर्टेबल हो गए तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिर आप धीरे धीरे इसको कम कर दें। दोस्तों इस तरह से देखा कि जो प्लांटागो है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दांत दर्द की बेस्ट मेडिसिन है। आप बहुत से लोग रामबाण यूज करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसकी रामबाण दवाई है, जो मैंने देखा कि ज्यादातर केसेस के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है और तेजी से आपको अपने दांत दर्द से आप देखते हैं कि रिलीफ मिलता है। दोस्तों इसके साथ के अंदर मैं एक जरूर एडवाइस करूंगा कि ओरल जो हाइजीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी प्रॉपर रखें। अगर आपके दांतों में दर्द है तो घर में जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी प्रॉपर ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस समझाएं, जिसमें घर में दूसरे मेंबर्स को भी दांत दर्द का सामना नहीं करना पड़े। खास करके छोटे बच्चों को इस चीज से आप लोग जरूर अवेयर कराएं, और बच्चों का आपको कहीं भी लग रहा है कैविटी वगैरह हो रही है तो उनके दर्द तक हो उसके इंतजार नहीं करें, आप पहले ही उनको प्लांटागो से गार्गल वगैरह रूटीन में करवाने की हैबिट डाल सकते हैं, जिससे आगे चल के बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़े। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो दांत दर्द की जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।